अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज हम सीखेंगे कि जो कि सेंसर वाली लाइट होती है मिरर ग्लास के पीछे लगती है, वो कैसे लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट की लाइट है, ये वार्म लाइट है, इसमें मुख्तलिफ कलर आते हैं। इसके अलावा ये सेंसर है इसका, ठीक है, ये चाइना का सेंसर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो चीज़ यूज़ होती है वो है सप्लाई, ठीक है, ये इसकी सप्लाई है। इसके अलावा ग्लास को कैसे पीछे लगाते हैं, स्टिप वगैरह, वो इस पर मैं वीडियो तफसील से बना चुका हूँ, राउंड शीशे की भी और फ्लैट शीशे की भी, तो वो आप चैनल पर विज़िट करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। उसका लिंक भी मैं एंड में दे दूँगा आपको, ठीक है। अब इसको खोल कर देखते हैं लाइट कैसे होती है। ये आप देखें, इसकी लाइट है, इस तरह की होती है। चलिए अब हम इसका सर्किट करना सीखते हैं कि कैसे लगाते हैं। तारे हैं, रेड वाली पॉजिटिव, ब्लैक वाली जो नेगेटिव, ठीक है, इसको ठंडी या गर्म बोलते हैं हम, ठीक है। लाल गर्म और काली ठंडी तार, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर ये इस तरह इन्होंने लगाई गई हुई तार, ये आप देखें। ये जो इसका सेंसर है, तो ये आगे इन्होंने डबल टेप लगाई हुई है, ये हम उतार के शीशे के साथ चिपकाएंगे जब भी लगाना हो। और ये जो तार है आप देख सकते हैं, जो इस तरह बनी होगी, ये आपकी तार इसको लगेगी LED को, ठीक है, लाल की लाल को, ब्लैक की ब्लैक को। और ये जो तार होगी आपकी, ये आपने काट लेनी यहाँ से, ठीक है। और इसकी भी जो सेंटर वाली तार होगी या रेड होगी, जो भी इसके अंदर होगी तारें, वो आपने आपका जो ये हो गया पावर होगी इसके साथ लगेगी, ठीक है। इसको भी आपने आगे से काट लेना है। और इसके जो पॉजिटिव तार है पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अगर ये आपकी गलत भी लग जाए तार तो ये चलेगी नहीं, तो आप इसको दोबारा उतार कर लगाएंगे तो वो चल जाएगी, ठीक है। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए, जो हमारा सेंसर है उसके जो मैंने जैटर थे वो काट दिए हैं और तारें आगे से छील दी हैं, आपने इसी तरह कर लेना है। और ये जो हमारा हमारी पावर है, ये पावर भी मैंने आगे से काट दिया, तो ये इस तरह की तार निकली है, जिस तरह केबल की तार होती है, सेंटर में ये वाली वाइट थी, ऊपर ये वाली लिपटी हुई थी। जारी बात, जो लिपटी हुई थी वो आपकी नेगेटिव होगी और दूसरी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसकी पावर के साथ पावर लगाता हूँ। ये देखें, मैंने तारें लगा दी हैं, ये हमारे जो जैट मैंने उतारा था उसके साथ मैंने ये पावर की लगा दी है। देख सकते हैं, जो वाइट तार जो सेंटर वाली थी वो मैंने रेड के साथ, दूसरी जो थी वो ब्लैक के साथ, नेगेटिव के साथ लगा दी है। इसी तरह LED की भी ब्लैक की ब्लैक के साथ और रेड की रेड के साथ लगा दी है। तो अब इसको हम चला कर देखते हैं क्या सेंसर काम कर रहा है। मैं इसकी वायर लगाता हूँ। ये देखें, जिस तरह ही मैंने तार लगाई है तो इसकी जो ब्लू लाइट है वो जल गई है। मैंने जो डबल टेप लगी है उसके ऊपर से भी मैंने पेपर नहीं उतारा जो उसके साथ होता है। तो अब इसका देखते हैं टच काम करता है कि नहीं करता। ये देखें, कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ये जो टच है ये चाइना का है, ठीक है। इसमें एक देसी भी आता है, वो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये कीमत में उसे मेरा ख्याल के 50 रुपये ज़्यादा है। और ये चाइना का है, अच्छा है और साइज़ में भी छोटा है और बड़े अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और बाकी अगर आपने टच नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट इसकी पावर के साथ ये LED की तारें लगा दें, और जैसे आम जो रोब लाइट होती है वो चलती है वैसे यही चल जाएगी। लेकिन ये 12 वोल्ट की जो लाइट होती है, ये रोब लाइट जो लगी है हमारे सामने है LED, इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, जो आम दूसरी होती है उससे इसकी रोशनी ज़्यादा होती है। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्त नए हमारे चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।